फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अनुमिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शब्द। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले करते हैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हिंदी ट्यूटोरियल के साथ साथ आपको हमारे चैनल पे मोबाइल, कंप्यूटर और एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ जो साइड में घंटी का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा कि हमारी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, अगर ऑलरेडी आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसे हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में कहा जाता है कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो वही बात यहाँ भी कही गई है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो उसे हम कहते हैं शब्द। अब हम बात करते हैं उस बेस पे जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बेस पे पूछा जाता है, उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो सबसे पहले हमारा यहीं से क्वेश्चन उठता है कि शब्द के वर्गीकरण से शब्द के कितने भाग होते हैं, इससे जो है हमारा क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो शब्द के वर्गीकरण में शब्द का वर्गीकरण तीन रूपों में किया गया है, यानी कि शब्द के तीन रूप होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसको बांटा गया है। दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। यानी कि शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है ये तीन आधार पे किया गया है, अर्थ के, रचना के और प्रयोग के आधार पर। अब बारी बारी से इसे हम देखेंगे कि कितने भागों में आखिर शब्द को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रचना के आधार पर शब्द के भेद। शब्द रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द रचना के आधार पर शब्द के मुख्यतया दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये शब्द दो होते हैं। अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा है शब्द रचना के आधार पर, लेकिन शब्द रचना के आधार पर भी शब्द को वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि शब्द रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है तो हमारा जवाब होगा कि दो प्रकार का होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है तो अब यहाँ पे हमारा जवाब बदल जाएगा। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें शब्द रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखते हैं सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक का अर्थ है अर्थ सहित, अर्थात जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द नाम से ही क्लियर है कि अर्थ के साथ, यानी जो शब्द अर्थ के साथ हो, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग हो, वो हमारा होगा सार्थक शब्द। जैसे राम, पुस्तक, मेज, खाना, चाय आदि, ये जितने भी शब्द हैं इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकलेगा। जैसे अगर हम राम कहते हैं तो राम नाम लेते ही हमारे माइंड में एक फिगर सा बन जाता है, एक इमेज सा बन जाता है कि राम एक लड़का हो सकता है या फिर जो राम भगवान है वो भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर पुस्तक नाम लेते हैं तो पुस्तक का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि इस तरीके का पुस्तक होगा। उसी तरीके से मेज, मेज नाम लेते ही हम मेज के बारे में सोचने लगते हैं कि इस तरीके का मेज होगा। तो वैसे ही खाना, तो इसका भी एक मीनिंग है। चाय, ये भी एक मीनिंगफुल है। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंगफुल है, जिसका अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द होता है। अब हम बात करते हैं निरर्थक शब्द की। तो निरर्थक शब्द क्या होता है? निर का अर्थ है बिना, यानी नाम से क्लियर है निर का अर्थ है बिना, यानी कि जो बिना अर्थ का शब्द होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है, वो होता है हमारा निरर्थक शब्द। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे सार्थक शब्द में अगर हम देखें खाना, पुस्तक, चाय, अगर हम निरर्थक में आते हैं तो खाना का हो जाएगा वाना, यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि खाना वाना खाया कि नहीं। तो खाना तो मानते हैं, खाना का अर्थ होता है, लेकिन उसके साथ जो वाना जुड़ जाता है वो क्या होता है? उसका तो कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो वही जो होता है हमारा हो जाता है निरर्थक। उसी तरीके से पुस्तक, तो कहते हैं ना कि पुस्तक, पुस्तक, तो यहाँ पे जो पुस्तक है ये निरर्थक है। चाय वाय, तो
तो जो चाय है ये तो सार्थक है, लेकिन जो वाय शब्द है ये हमारा हो गया निरर्थक। तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो वो हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। जैसे ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, मेज वेज, लोटा वोटा, थाली वाली। तो पहला जो वर्ड है वो तो सार्थक है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ के आ रहा है, जैसे मेज का वेज हो गया तो ये क्या है। उसी तरीके से अगर आपका आ गया थाली वाली, तो थाली तो ठीक है, अब वाली क्या है, तो ये भी हमारा निरर्थक हो गया। तो इस तरीके से जो वर्ड आते हैं वो निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। अब उसके बाद अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार का होता है। पहला है वाचक, दूसरा लाक्षणिक और तीसरा व्यंजक। यानी वाचक को हम अविधा भी कहते हैं, दूसरा लाक्षणिक को लक्षणा भी कहते हैं और व्यंजक को व्यंजना भी कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द। तो पहला है वाचक यानी कि अविधा। जिस शब्द का अर्थ सरलता से समझ में आ जाए उसे ही वाचक शब्द या अविधा कहते हैं। जैसे घर, स्कूल, नगर, सड़क, फल आदि। ये जितने भी शब्द हैं इसका एक साधारण सा मीनिंग होता है। अगर हम घर कहें तो सिंपल सा जो घर होता है उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में इमेज करेंगे, यानी इसका अर्थ ही वही होगा। स्कूल कहें तो इसका सीधा अर्थ होगा, स्कूल का मतलब स्कूल होगा। उसी तरीके से नगर कहें तो नगर हो जाएगा, सड़क कहें तो सड़क, फल कहें तो फल के बारे में सोचेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिसका सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, उसको घुमाने की जरूरत नहीं हो, वो हमारा होता है वाचक यानी कि अविधा। जैसे रामू घर जाता है। अब रामू घर जाता है तो कहाँ जाता है, घर जाता है। तो इस तरीके से हम सीधे सीधे ये जान पा रहे हैं कि रामू जो है ये घर जा रहा है, ये कहीं और नहीं जा रहा है। उसके बाद अगला है लाक्षणिक यानी कि लक्षणा। जिनका शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजन बस दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाए उसे ही लाक्षणिक या लक्षणा शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये कि लाक्षणिक का मतलब ये होता है कि इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर किसी को किसी से कंपेयर किया जा रहा है किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके, तो वहां पे होता है लाक्षणिक। यानी कि लाक्षणिक का मतलब है लक्षणा यानी कि लक्षण से यहाँ पे बात आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गधा, उल्लू, सियाल, शेर इत्यादि। ये जितने भी शब्द हैं, अब इसका हम उदाहरण एक देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है यहाँ पे है, रामू शेर है। यानी कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामू शेर है, मतलब शेर तो हो नहीं सकता है रामू, क्योंकि रामू एक इंसान है और इंसान एक शेर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ निकल नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि शेर का मतलब जो है यहाँ पे शेर के गुण से है, शेर के लक्षण से है। यानी कि जो रामू है ये शेर नहीं, बल्कि शेर का जो लक्षण है उस तरीके का लक्षण रामू के अंदर है, इसलिए रामू को कहा गया है कि रामू जो है वो शेर है। यानी कि शेर की तरह वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, या फिर शेर की तरह जैसे वो दहाड़ता है वैसे इसकी भी आवाज हो सकती है बहुत तेज की। तो इस तरीके से शेर की जितनी भी क्वालिटी है, अगर इसमें से कोई भी क्वालिटी रामू के अंदर है तो रामू को शेर कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि रामू एक शेर है, न कि रामू एक शेर जानवर है। यानी कि यहाँ पे लाक्षणिक में क्या होता है कि लक्षण से कंपेयर किया जाता है, इसमें सीधा सीधा अर्थ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं व्यंजक यानी व्यंजना पे। व्यंजना क्या होता है, तो व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ होता है और न ही ल्यार्थ, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ होता है, उसे ही व्यंजक या व्यंजना कहते हैं। कहने का मतलब ये कि इसमें क्या होता है, सिंपल और साधारण भाषा में हम जान सकते हैं कि जितने भी मुहावरे होते हैं आपके, लोकोक्ति मुहावरा जो होता है वही इसमें आता है यानी व्यंजना में आता है, क्योंकि कहा कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, चोर कहे रात अंधेरी है। अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ निकलता है, चोर कहे रात अंधेरी है का क्या मतलब, रात तो वैसे ही अंधेरी होती है, तो चोर कहे रात अंधेरी है, इसका कोई अर्थ सीधा सा नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो चोर है ये रात की विशेषता नहीं बता रहा है कि रात जो है वो अंधेरी है, बल्कि वो ये बता रहा है चोर कि रात जो है चोरी के लिए परफेक्ट माना जाता है। यानी कि चोर के लिए रात उपयुक्त है, चोर रात में ही चोरी कर सकता है, दिन में नहीं। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये निकलेगा। तो इस तरीके से जो अर्थ निकलते हैं यानी जो मुहावरों से अर्थ निकले, वो हमारा होता है व्यंजना। अब इसका एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, सिर पर चढ़ाना।
अब सिर पर चढ़ाना का मतलब ये नहीं कि सिर पे चढ़ा के बैठा लेना किसी को, इसका तो बिल्कुल अर्थ नहीं होगा यहाँ पे। तो सिर पर चढ़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अनुशासनहीन अथवा ढीठ बनाना, यानी कि किसी को अनुशासनहीन बना देना या फिर ढीठ बनाना ही कहलाता है सिर पर चढ़ाना। तो ये हमारा हो गया व्यंजना। उसके बाद अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होता है? तो विकारी का अर्थ होता है विकृत होना अथवा बिगड़ जाना, यानी कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द अपना अर्थ बिगाड़ लेते हैं अथवा बदल लेते हैं उन्हें ही विकारी शब्द कहा जाता है। अब विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द जो है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अगला अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है विकृत न होना, अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बिगाड़ते हैं उन्हें ही अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधन सूचक, विस्मयादि बोधक इत्यादि, ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो तीन प्रकार का होता है, पहला रूढ़ी शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ी शब्द। ये तीन प्रकार का रचना के आधार पर शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? तो जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कि रूढ़ शब्द वो होता है जो शब्दों के योग से नहीं बल्कि अक्षरों के योग से बनता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आम, आम जो शब्द है एक, ये जो है आ और म, इन दोनों से मिलकर बना है आम। उसी तरीके से हाथ यानी हा और थ, इन दोनों से मिलकर बना है हाथ। उसी तरीके से कान, का और न से मिलकर बना है कान। कलम जो है क धन ल धन म, इन तीनों से मिलकर बना है कलम, यानी कि ये जो है अक्षरों से मिलकर के बनता है रूढ़ शब्द। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे मान लीजिए कि कलम बना है क धन ल धन म से, तो यहाँ पे क है ल है म है, ऐसा नहीं है कि क का एक अर्थ होगा, ल का भी अर्थ होना चाहिए, म का भी अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी अक्षर हैं सबका कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन अलग अलग अक्षर से मिलके बन जाता है रूढ़ शब्द, यानी इसमें जो अलग अलग डिवाइड हो रहा है ये अक्षर, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब इन सभी को मिलाया जाता है तब जाके एक मीनिंगफुल शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उसके बाद है यौगिक शब्द। जिन शब्दों का निर्माण शब्दों के योग से होता है उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी, ये जो बना है विद्या धन अर्थी, इन दोनों शब्द से मिलकर बना है विद्यार्थी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे हम संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द का विच्छेद जब हो रहा है यानी विद्यार्थी का हो रहा है विद्या धन अर्थी, तो विद्या का भी एक अर्थ होना चाहिए और अर्थी का भी अर्थ होना चाहिए, यानी कि जो दो शब्द से मिलकर बना है, जो भी शब्द जिन शब्दों से मिलकर के बन रहा है उन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे छात्रावास, छात्र धन आवास, तो छात्र का भी अर्थ होता है और आवास का भी अर्थ हो रहा है। उसी तरीके से हिमालय, तो हिम धन आलय, इन दोनों का भी अर्थ है और जो इन दोनों को मिलाने से जो तीसरा शब्द बन रहा है इसका भी अर्थ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये शब्द हमारा हो जाता है यौगिक शब्द। उसके बाद अगला है योग रूढ़ी शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से निर्मित होते हैं लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध कराने लगते हैं उन्हें ही योग रूढ़ी शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो लंबा धन उदर, तो लंबा उदर किसका होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबा का भी अर्थ है और उदर का भी अर्थ है, और मिल के जो बना है लंबोदर इसका भी अर्थ है, लेकिन लंबोदर कहा किसको जाता है? तो गणेश को कहा जाता है, यानी कि ये अपना वास्तविक अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को दर्शाता है, तो ये होता है योग रूढ़ी शब्द। उसी तरीके से बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा धन पाड़ी, और बीड़ा पाड़ी किसे कहते हैं? तो माँ सरस्वती को कहा जाता है, तो ये भी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से जो अपने स्वयं के अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करे तो वो होता है योग रूढ़ी शब्द। जैसे आपने समास में पढ़ा होगा कि जो बहुव्रीहि समास होता है जो कि तीसरे का अर्थ प्रकट करता है, वही इसमें भी रूल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्वयं का अर्थ छोड़ के तीसरे का अर्थ बता रहा है, तो वो होता है योग रूढ़ी शब्द।
तो दोस्तों इसी के साथ शब्द समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी ये सारी चीजें पढ़ें, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।